आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी की का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री
मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोकलुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है, इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं,
हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों के दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वो जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 3.0 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की, आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मोदी 3.0 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। यह 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा, कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है, यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले
जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार, ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और उसके कारण ये बौखला गए। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे।